अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो है मोटो वाइंड करने जा रहे हैं हम। ये शहजाद वालों की कॉपी की है, बड़ा शहजाद वालों ने जो वैक्यूम है। तो ये इसका स्टेटर है, तकरीबन 2 इंच चौड़ा है। तो इसमें जो नंबर डालने लगे हैं वो है 23, 23 और 27। तो ये था आपके साथ बात शेयर करने का तरीका। ये देखें, सेट डालने लगे हैं। जो पिच है इसकी 6 है। ये देखें जी, ये बढ़ियाँ चल रही हैं। इसके ऊपर सेट डाले जा रहे हैं और इसमें जो टर्ने हैं वो 55, 60, 75 टर्ने हैं। इसमें 4 कोयला सेट है, ये आप देख सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब ये मोटर फिटिंग करेंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। असल में मैं ज़रा वीडियो बना नहीं सका, कोई हफ्ता को मसरूफ रहा हूँ, टेंट का काम पकड़ा हुआ था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो मोटरें जो है कौन सी हमने रिपेयर की हैं। तो लेकिन हमारा इतना टाइम नहीं था, तकरीबन 25-30 मोटरें थी। तो इसीलिए कोई 20-25 पंखे थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से इसी वीडियो में हमने वाइंड किए हैं, कुछ रिपेयर किए हैं, कुछ जो बाई स्कूलों की मोटरें हैं वो भी वाइंड की हैं, कुछ ब्रेकर फैन वाइंड किए हैं। तो लेकिन उनकी मैं वीडियो आपसे शेयर नहीं कर सका, क्यों काम मैंने देना था 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो वो मैं इसलिए काम जल्दी में किया है लड़कों ने लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बिल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो बार बार मिल सके, पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखें, इस तरह आपने सेट डालना है। जो आखिरी कॉइल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने कॉइल को उल्टाना नहीं है, कॉइल जैसे पकड़ना है ऐसे ही आपने इसके अंदर डालना है। ये देखें, इसको इस तरह बिठाना है आपने। तो आपने कॉइल किस तरह पकड़ना है, इस तरह। ये देखें, अगर आपको इस तरह उल्टाएंगे तो मोटर आपकी जल जाएगी। आपने इस तरह ही सीधी इसको रखना है, ठीक है। इसके अंदर देखें, ये देखें, इस तरह आपने सीधा इसके कॉइल में इसमें डालना है आपने। ये देख सकते हैं, ये देखें जी, ये सेट जो है पै चुका है। तो आप दूसरा सेट शुरू करता हूँ। ये देखें, आप दूसरा सेट जो है वो शुरू करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटरें पड़ी हैं। इसकी वजह से हम जो है ना वीडियो नहीं बना सके। ये पंखे भी आप देख सकते हैं, ये एक ब्रैकेट फैन है, ये स्टैंड वाले हैं, देखें बाहर भी पड़े हुए हैं। ये आप देख लें कितने पंखे हैं, ये भी हैं, ये भी पंखा ही पड़ा हुआ है, ये सारे पंखे पड़े हैं। ये देखिए, अब हम दूसरा जो सेट है वो डालने लगे हैं। तो आपने सेट को रखना कैसे है ये देखें, इस तरह आपने सेट को रखना है। ये देखें, ये जो छोटा सिरा ये आपके सामने आए तो इस तरह ही आपने इसके अंदर पकड़ना है। ये देखें, इसको 6 पेज पे हम डालेंगे। देखें, ये इस तरह ही आपने दूसरा कॉइल पकड़ना है। तो अब जो है मैं इसके सेट डाल के तो फिर आपको कनेक्शन भी दिखाता हूँ ऊपर कैसे डालने हैं। स्टार्टिंग इसकी डाल के फिर आपको इसके कनेक्शन समझाते हैं, फिर इसको जो फिटिंग है ये हमने स्टेटर क्यों निकाला था वो भी आपसे बात शेयर करते हैं हमारे साथ में। ये देखें जी, ये कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं इसको जो है ना नीचे वाले कनेक्शन आपको करके दिखा देता हूँ।
ये हमने बड़ा सिरा जो है वो रख ली है, छोटा पकड़ के इसको गिनेंगे एक से तीन, एक दो ये तीन, इस तरह आप कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी ये कनेक्शन हो चुके हैं। फिर भी मैं आपको स्लीप जो चढ़ा के तो दिखाता हूँ। ये देखें जो छोटे सिरे थे वो दोनों हमने मिला दिए छोटे छोटे, ये दो बड़े सिरे जो हैं ये बाहर आ गए। ठीक है, एक से तीन कनेक्शन हो गए हैं। ये मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए पहले। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर वाले सेट स्टार्टिंग के डाल के तो उसके भी आपको कनेक्शन डोरी करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो ज़रूर मिल सके। तो ये भाइयों का मोहब्बत प्यार है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो पहले मिल सके। ये देखें ये स्टार्टिंग का सेट है, तो अब हम इसको डालना कैसे है वो भी इसी तरह आपने रखना है। ये सिरा जो है ये आपके सामने आए, ये देखें ये जो सिरा है ये आपके सामने वाली साइड पे आ गए साइड पे। ठीक है, इस तरह हमने वो जो है ये खाली छोड़े थे जो स्लॉट, वो अब हम इसको ये 10 पिच पेपर डलेगा। ये देखें जी ये बड़ी चढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह ही दूसरी साइड पे डालना है हमने। देखें जी दूसरा कॉइल हम डालने लगे हैं, इसको उल्टाना नहीं है, ऐसे ही पकड़ना है आपने। देखें जी आखिरी कोयल आखिरी सेट जो है वो रह गया। अब इसके साथ बाद इसको कनेक्शन डोरी होनी है ऊपर नीचे, नीचे वाले तो कनेक्शन हुए हैं तो डोरी होनी है बस जो है ना। ये देखें जी आखिरी कॉइल जो है ये रह गया, ये डाल के इसके बाद जो है इसके चोरी करेंगे, जो दादा जिसको बोलते हैं वो मारेंगे। ये कंप्लीट हो चुके हैं सेट जो है, अब इसको धागा मारेंगे, इसको थोड़ा सेटिंग करेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ी की मदद से भी कर सकते हैं, प्लास्टर की थोड़ी की मदद से। ये देखें ये बिल्कुल सही हो चुके हैं। ये देखें आपने पेपर किस तरीके से रखना है, इस तरीके से आपने पेपर रखना है। ये देखें काटना इस तरीके से है।
साहिल नाल दुकान ते नेट ही नहीं आना चाहिए। ये देखें जी, ये जो है इसको धागा बोलते हैं, धागा मार रहे हैं डोरी करना। ये देखें मोती को डोरी बज रही है, ये आप देख सकते हैं किस तरह बज रही है। ये देखें जी, डोरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये कोई वीडियो फेक नहीं है, आप रियल में देख सकते हैं, मैं रियल में काम कर रहा हूं। अगर आपको कोई मसला आता है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो आप उनसे रابطہ करके काम वगैरह पूछ भी सकते हैं। मैं भाइयों की हेल्प के लिए ये चैनल बनाया है, तो किसी भाई को कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो वो मुझसे رابطہ कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये मेरा अपना नंबर है, दुकान का नंबर भी आपको दूंगा, आप इसके इधर से कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें दो जो है इसके बड़े, ये देखें दो जो है बड़े सिरे बच गए हैं, ये बाहर निकालेंगे। ये भी दो जो है बाहर वाले, ये भी हम बाहर निकालेंगे, वो भी आपको दिखा, आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये दो स्टार्टिंग की हैं, ये देखें आमने सामने सिरे हैं, दो छोटे जो है वो मिला दिए हैं, ठीक है। ये देखें दो जो है बड़े सिरे, ये बाहर के छोटे दो मिला दिए, ठीक है। ये 2800 चक्कर, ठीक है। अब इसको पेपर रख के तो मैं धागा मार के आपको, अब इसको जो है वज लगानी है, उसके बाद वार्निश करके फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये हमने स्टेटर निकाला क्यों था, ये देखें जी वार्निश होने लगी है। ये देखें ये स्लिटर इसलिए निकाला, ये देखें जो है नीचे इसकी प्लेट फिक्स है, ये देखें ये जो इसकी प्लेट है ना, ये खुल नहीं सकती, ये देखें ये बिल्कुल फिक्स है, कोई पेच नहीं लगा हुआ। तो इसलिए हम जो है ना इसका जो स्टेटर है वो बाहर निकाला था, अब इसके अंदर ही फिटिंग करेंगे स्टेटर को। ये देखें ये फिटिंग हो चुकी है इसकी, यहाँ से तारें निकालेंगे। ये इसकी तारें निकल चुकी हैं, अब हमें इसको पूरी मुकम्मल फिटिंग करेंगे आपके सामने।